नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर आपके इस एकेडमिक क्लास में जिसमें हम बात कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कैपिटल सिर्फ हम पैसे के लिए ही यूज नहीं करते हैं। अगर आप अकाउंटेंसी ले रखे हैं, मतलब कॉमर्स से बैकग्राउंड से है, तो आपको लगता होगा कि कैपिटल सिर्फ हम पैसे के लिए यूज करते हैं क्योंकि बिजनेस में यूज आता है। बिल्कुल गलत। जो आपका यहाँ पे कैपिटल का यूज हो रहा है वो वुमेन्स के लिए हो रहा है। वुमेन्स के लिए क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वुमेन्स भी एक कैपिटल फॉर्मेशन बन सकता है किसी भी देश के लिए। वो कैसे बन सकता है? जब उनको एजुकेटेड किया जाएगा, जब उनके पास स्किल होगा। ये एजुकेशन और ये स्किल की बात क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? वुमेन कैपिटल फॉर्मेशन। तो वुमेन को कैपिटल कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो वुमेन्स होते हैं वो भी अपने आप में एक कैपिटल होते हैं। कैपिटल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए एट द पॉइंट ऑफ द टाइम अगर किसी भी देश को अगर एक इंसान की जरूरत पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए जस्ट पिछले साल हमारा आपका जानते हैं इसी साल आपका चंद्रयान 3 गया था, लॉन्च हुआ आपका, पहुंच चुका है अगस्त सितंबर में। और तो और मैं आपको बता दूं, अगर वैसा ही मिशन चंद्रयान 4 जाने वाला है और इमिडिएटली किसी साइंटिस्ट की जरूरत है, वहां पे इसमें साइंटिस्ट की जरूरत है, तो वो अगर कहीं ना कहीं से आ जाए, मिल जाए भारत सरकार को, तो कम पैसे में, कम बजट में और अच्छी सुविधा के साथ हम चंद्रयान 4 को लॉन्च कर सकते हैं। ये कब होगा? जब वुमेन जो होगा आपका वो क्या होगा? एजुकेटेड होगा। क्या होगा? वो एजुकेटेड होगा तभी तो वो ऐसा कर सकेगा। और उसके पास स्किल भी होना चाहिए। स्किल किस चीज का? पहले स्किल समझते हैं, क्योंकि आजकल सबके मुंह में क्या ही है, एक ही चीज है। क्या आपके पास स्किल है? क्या आपके पास स्किल है, चाहे किसी भी चीज का, चाहे मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, चाहे मैं एक्सेल प्रो एक्सेल की बात करूं, चाहे मैं वीडियो एडिटिंग की बात करूं, चाहे मैं कंटेंट राइटिंग की बात करूं, चाहे मैं आपका किसी भी चीज की बात करूं, ये स्किल्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 12th क्लास में आप रहते हुए आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, ह्यूमैनिटीज ले रखे होंगे, तो आपके पास पॉलिटिक्स होगा, हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, फिजिकल होगा। अगर आप कॉमर्स से होंगे, अकाउंटेंसी होगा, बिजनेस स्टडी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, और आपका इंग्लिश होगा, फिजिकल होगा, और साइंस बैकग्राउंड से तो फिजिक्स होगा, मैथ होगा और केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा। अगर आप ले रहे होंगे मैथ और बायोलॉजी एक साथ, तो ठीक है। अगर उनमें से एक चीज मानते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा एक्सपर्टीज है इकोनॉमिक्स पढ़ाने में और बिजनेस स्टडी पढ़ाने में, तो मेरा स्किल क्या हुआ? मेरा स्किल हुआ कि मैं इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप बायोलॉजी हो गए या मैथ हो गए, मैथ का एक्सपर्टीज है, तो मैथ में आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं स्किल को अगर मैं डिजिटल फॉर्म में समझाऊं, ये इस रूप से काम करता है। जैसे मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर रखे होंगे, डिजिटल मार्केटिंग में आपका एक वर्क नहीं होता है, बहुत सारे वर्क होता है, स्पेसिफिक एरिया नहीं होता है, स्पेसिफिक एरिया आपको चुनना पड़ता है कि आपको उसमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल का अगर मैं मानूं कि जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत सारी चीज होता है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, बहुत सारी चीज काम होता है, जैसे कि मान लीजिए कंटेंट राइटिंग भी होता है, जैसे वीडियो एडिटिंग भी होता है, जैसे आपका क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी होता है, और बहुत सारे वेब डेवलपमेंट भी होता है, और आपका क्या होता है, ऐप डेवलपमेंट भी होता है, और क्या होता है आपका, क्या बोलते हैं, ड्रॉप शिपिंग सर्विस भी होता है। तो ये सारे वर्क होता है। जैसे मान लीजिए इनमें से आपको सब कुछ आता है, मतलब कि आपको ये भी आता है 70%, ये भी आता है 50%, ये भी आता है 90%, ये भी आता है 60%, ये भी आता है 70%, ये भी आता है आपको 80%, लेकिन इनमें से एक चीज ऐसा होगा जो कि आपके कंपनी में, आपके टीम मेंबर में से किसी में को
ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको एप्लीकेशन हो गया वेब डेवलपमेंट, जैसे इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो किसी के वेबसाइट पे जाते हैं आप, तो वो वेबसाइट बनाना आपकी खूबी हो सकती है, तो उसी को स्किल कहते हैं हम। मतलब कि आप पढ़ते बहुत सारे सब्जेक्ट है लेकिन आपको महारत किस पे हासिल है उसे ही स्किल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है जब आप किसी चीज में एक्सपर्टीज बनते हैं। एंड द एंड ऑफ द टाइम आपका क्या होता है, वो एक्सपर्टीज भारत के किसी न किसी एरिया के प्रोडक्शन में भाग लेकर के भारत की जीडीपी को, भारत के ग्रोथ के लिए आप काम कर रहे होते हैं। ये होता है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लास्ट में आपको यही बोलूंगा कि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो आप भी दो काम कर दीजिए। पहला काम करिएगा आप लाइक करिएगा, और दूसरा काम करिएगा लाइक करके सामने आपका रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे कंटेंट को मैं लाते रहूंगा तो आप बिना किसी दबाव के इस कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको क्या देता है, कॉन्टेंट देता है बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमारे द्वारा, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं इस फील्ड में, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आपका क्या समझ में आ गया क्या होता है, तो मैंने पहले आपको समझा दिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। तो पहला टॉपिक ही हमारा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन कैपिटल। आइए आल्सो डिफाइन योर एवरीथिंग ऑन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ टू क्रिएट इन योरसेल्फ टू स्किल इन अ मैनर टू द हेल्प द जीडीपी ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री जस्ट लाइक इंडिया में, बिकॉज वी आर इंडियन सो वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट द इंडियन कंट्री। So I hope you deserve this knowledge, full content, so please subscribe and like and share also. Thank you very much. This is the first part of the macroeconomics class 12, human capital formation chapter number 8. So second part is coming soon, so please subscribe, please like and share also. Don't forget to subscribe. Thank you very much.